हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल चटपटी रेसिपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, आज मैंने बनाया है लजीज कॉलीफ्लावर और आलू की सब्जी देसी स्टाइल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। आइए हम देखते हैं इसे किस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया जा सकता है। देसी फूल गोभी की सब्जी बनाने के लिए हम यहाँ पर फूल गोभी और पोटैटो यानी आलू को काट लेंगे। यहाँ पर मैंने लगभग एक पाव के करीब फूल गोभी लिया है और दो आलू काट रखे हैं। ये 4 से 5 लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है। इसका मसाला बनाने के लिए हमें जरूरत होगी लाल मिर्च, यहाँ पर सूखी धनिया लिया है मैंने, थोड़ा सा लिया है, काली मिर्च लिया है जो कि बहुत थोड़ा डालना है क्योंकि गर्म मसाला है तो बहुत ज्यादा ही तेज हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा लौंग मैंने 2 ले रखे है। यहाँ पर जो है फूल ले रखा है, इसके अलावा ये चक्री फूल है और इसमें हम थोड़ा सा जीरा भी डालेंगे। इसके अलावा हमें जरूरत पड़ेगी कांदे की, जो मैंने यहाँ पर एक बड़ा कांदा काट रखा है, लहसुन की कलियां, अदरक, तड़का लगाने के लिए यहाँ पर तेज पत्ता, हरी धनिया और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के टोमेटो काट रखे हैं और थोड़ा सा स्पाइस बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली भी ले रखी। आइए अब हम इस मसाले को हम पहले रोस्ट करेंगे। पहले हम सबसे पहले पैन गरम करेंगे। यहाँ पर मैंने पहले ही प्री हीट कर रखा था इसलिए यहाँ पर गरम है। अब इसमें हम सारे साबुत गरम मसाले को डाल देंगे और इसे रोस्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच हम जीरा भी डाल देंगे, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। अब इसे हमें मीडियम आंच पर रोस्ट करना है। इस तरह से हमें रोस्ट करना है, जब तक इसमें से भीनी भीनी खुशबू ना आने लगे तब तक हमें इसे रोस्ट करते जाना है। अब इसमें से भीनी भीनी खुशबू आने लगी है, अब इसे हम बंद कर देंगे स्टोव को और इसे ठंडा कर लेंगे। अब हमारा ये गरम मसाला पूरी तरह से ठंडा हो गया है, अब इसे हम मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। इसके साथ हम प्याज, लहसुन और अदरक और साथ में हरी धनिया भी साथ में ही हम ग्राइंड कर लेंगे। अब इसी में हम मैंने जो बड़े प्याज काट रखे थे वो भी हम डाल लेंगे, लहसुन की कलियां भी डाल लेंगे और अदरक भी डाल देंगे और इसके बाद हरी धनिया जो हमने ले रखी थी वो भी हम करके इसे अब हम ग्राइंड कर लेंगे। अब हमारा मसाला पूरी तरह से ग्राइंड हो चुका है, अब इसके बाद अब हम इसके सब्जी को तड़का लगाते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई मेरी जो है वो गर्म हो रखी है, अब इसमें पहले हम तेल डाल देंगे। तेल को अच्छी तरह से हम गर्म होने देंगे और उसके बाद फिर इसमें हम तेज पत्ता और प्याज तड़के के लिए लगाएंगे। अभी हमारा तेल जो है वो गर्म ही हो रहा है। तेल पूरी तरह से गर्म हो गया है, अब इसमें हम सबसे पहले तेज पत्ता डाल देंगे और यहाँ पर तड़के के लिए मैंने एक मीडियम साइज का प्याज ले रखा है, इसको भी हम पहले डालकर भून लेंगे। इसे हम गोल्डन होने तक इसे फ्राई करेंगे। वो पूरी तरह से पक गया है, अब इस पे हम मसाला डाल देंगे जो पीसा हमने ग्राइंड किया हुआ है। मसाले को अब हम एकदम मीडियम आंच पर इसे पकने देंगे और इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से भीनी भीनी खुशबू ना आने लगे और साइड में हल्का हल्का तेल ना छोड़ दे। इसे हम स्लो आंच पर पकाते ही जाएंगे। ये देखिए किस तरह से मसाला जो है वो पक रहा है। याद रखिए इसे मीडियम फ्लेम पर ही हमें पकाना है, नहीं तो मसाला हमारा जल जाएगा और वो पकेगा नहीं और खाने में वो स्वाद नहीं आएगा। इसे मीडियम फ्लेम पर जब तक अच्छे से खुशबू ना आने लगे और साइड में तेल ना छोड़ दे तब तक इसे हमें पकाते जाना है। अब हमारा मसाला देखिए आधा पक गया है, अब इसी समय इसमें हम हल्दी भी डाल देंगे ताकि हल्दी भी पक जाए और इसे भी अभी हमें पकाते जाना है स्लो आंच पर मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए अब हमारा मसाला पक चुका है, इसमें तेल छूट गया है और ये देख सकते हैं आप ये बिल्कुल भी जो है चिपक नहीं रहा है कढ़ाई में। अब हमारा मसाला पक गया है, इसमें अब हम कटी हुई सब्जियां डाल देंगे और उसे भी मीडियम फ्लेम पर मसाले के साथ पूरी तरह से भूनेंगे ताकि
सब्जियों में भी पूरा मसाला अच्छे से अपना फ्लेवर छोड़ दे। इसे अभी हमें इस तरह से मीडियम फ्लेम पर चलाते जाना है। ये देखिए अब हमारी सब्जी जो है उसमें पूरी तरह से मसाले लग गए हैं। अब इसमें हम नमक डाल देंगे, स्वादानुसार नमक हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से फिर चलाएंगे। अब हमारी सब्जी है जो है आधे से ज्यादा पक चुकी है, तो इसमें हमने जो टोमेटो ग्राइंड किया था, टोमेटो का जो पेस्ट है वो भी इसमें हम अब डाल देंगे। टोमेटो डाल दिया है, अब इसे भी अच्छी तरह से हम पकने देंगे और पूरी तरह से पकने के बाद इसमें हम लास्ट में पानी डालेंगे। अब इसमें टोमेटो भी है पूरी तरह से, अब अच्छे से पक गए हैं। अब इसको पकने के लिए इसमें हम पानी डाल देंगे, इसमें अब हम पानी डाल देंगे। आप यहाँ पर पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको ज्यादा पतला चाहिए तो पतला कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको इसमें भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ग्रेवी ज्यादा चाहिए इसलिए, और वैसे भी ये पकने के लिए थोड़ा पानी इसमें ज्यादा डालना पड़ेगा और बाद में पकने के बाद ये अच्छे से ठीक हो जाएगा। अब इसे हम पकने के लिए ढक देंगे। ये देखिए हमारी सब्जी में उबाल आ गया है, बस इसे इसी तरह से उबलते देना है और बीच बीच में चेक करते जाना है। इसे हम चला देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसके बाद अब हम इसे और पकने के लिए ढक देंगे। अब देख सकते हैं हमारी सब्जी जो है पूरी तरह से पक चुकी है। अब इसे हम बंद कर देंगे और इसके ऊपर गार्निश करने के लिए हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और ये हमारा सब्जी सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी फूल गोभी की सब्जी पूरी तरह से तैयार हो गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं देखने में भी बहुत लजीज बनी हुई है और खाने में भी बहुत लजीज है। इसे आप गरम गरम रोटी या गरम गरम राइस के साथ में खा सकते हैं, इसे खाने में बहुत ही मजा आएगा। ये एकदम देसी स्टाइल में बनाई गई सब्जी है। थैंक यू।